हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। काफ़ी सारे लोग जब डीमैट अकाउंट बनाती हैं ग्रो ऐप या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन हो, तो उस टाइम पर वो सिर्फ इक्विटी सेगमेंट को ही एक्टिवेट करती हैं। तो दोस्तों, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करना है और इसमें आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल की साइड क्लिक करना है। तो जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन निकल के आएंगे, तो आपको ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टॉक्स में आपके सामने इधर सेगमेंट आ रहे हैं, तो इसमें से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे एक्सप्लोर FNO पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक्टिवेट FNO पर आप क्लिक करेंगे। इधर ये आपको दिखा रहा है बैंक निफ्टी वगैरह, तो वो चीज़ें ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती हैं। उसके बाद इधर आपको कोई इनकम प्रूफ सिलेक्ट करना है। आप बैंक के स्टेटमेंट में भी अपनी इनकम दिखा सकते हो, सैलरी स्लिप या फिर ITR या फिर फॉर्म 16B, या फिर आपकी कोई होल्डिंग्स है, आपने पहले से ग्रो ऐप के थ्रू कोई शेयर लिए हुए हैं तो उनको भी आप नीचे DP लिखा था तो उसको आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तभी यहाँ पर मैंने अपनी सैलरी स्लिप को अपलोड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है तो इस पर OTP आएगा। तो अभी मैं मोबाइल नंबर से देख के अगर OTP डाल देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ तो बताया जाएगा कि अभी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अंडर प्रोसेस है और यह 24 से लेकर 48 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, यह नेक्स्ट डे ही हो जाता है एक्टिवेट, आपको 48 घंटे मतलब कि लगभग 2 से 3 दिन का वेट नहीं करना होता। तो अगर आप करने वाले हैं तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर ही, तो आपको फिर भी टाइम दिया जाता है 48 घंटे का। तो दोस्तों, यही प्रोसेस है, आपको यही करना है।